छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर में NHAI द्वारा बनाए जा रहे बाईपास की क्रॉसिंग पर ग्राम गलान के रहवासियों द्वारा अंडर ब्रिज अथवा फ्लाईओवर बनाए जाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा था। 3 दिन तक चले इस धरना प्रदर्शन का पटाक्षेप रविवार को शाम को क्षेत्रीय विधायक के भरोसे पर हुआ। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि हर हाल में ग्रामीणों की मांग पूरी की जाएगी। विधायक कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वे ग्रामीणों की मांग का प्रस्ताव बनाकर अधिकारियों को भेजेंगे और जल्द ही मांग को उनकी पूरा किया जाएगा। इनकी मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस गांव से इस रास्ते में आगे जाके जो स्कूल पड़ता है, उन लोगों का कहना है कि जो बच्चे आते जाते हैं उसमें एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। इनकी मांग बिल्कुल जायज है, अधिकारियों से भी चर्चा हुई। अधिकारी हमारे पटेल जी ने भी यही कहा था कि यहाँ पे सबसे ज़रूरी था वो चीज़, अब उस चीज़ पे काम करा जा रहा है और उनकी मांग को बिल्कुल, जब ये लोग धरने पे बैठे हैं उसके पहले से उसका प्रोसीजर चालू है। आपके रोड सेफ्टी वाले चंडीगढ़ से आके अधिकारी अपना यहाँ पे जाँच कर गए हैं, उनकी भी रिपोर्ट लग जाएगी 10 दिन में और हम लोग की तरफ से भी लिख के जाएगा और अधिकारियों की तरफ से उसमें लिख के जा रहा है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उम्मीद यही है कि उनका जो ब्रिज की वो लोग मांग कर रहे हैं उसको सैंक्शन कराने की कोशिश की जाएगी। और उसी पे चर्चा हुई कि यहाँ से 150 मीटर इस साइड और 150 मीटर इस साइड छोड़ के अभी काम होगा, जिसमें इनका ये पैच नहीं छेड़ा जाएगा, जिसके लिए उन लोगों को चिंता होगी। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा ये जो यहाँ पे अंडरब्रिज बनना था वो नहीं बनना है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं कारण बनता है, लोगों का आरोप लगाया गया है। कैसे? जैसे इन लोगों का आरोप ये है कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ अंडरब्रिज बनना था, पास हो गया था, अब वो पास हुआ नहीं है। देखिए, किसी के भी कहने से या कुछ चर्चा अगर ऐसी आ रही है तो ऐसा कोई भी सक्षम आदमी मेरी नज़र में या जानकारी में या मन में नहीं है कि वो उस चीज़ को कैंसिल करवा ले। तो किसी ने कैंसिल नहीं करवाया है, कोई लोग अपने उस चीज़ का मजाक में श्रेय भी ले रहे हों तो उन लोगों की मन की मैं नहीं समझ सकता कि क्या है। बाकी हाँ, सबसे ज़रूरी है और उनका कहना भी है अधिकारियों का कि यहाँ पे वो पास था, किसी कारणवश वो कैंसिल हुआ है, जो सबसे ज़रूरी है। विधायक से मिले इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम गलान में बाईपास बन जाने के बाद गांव के लोगों को क्रॉसिंग के दौरान हादसे की आशंका है। चूंकि गांव के आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, राशन दुकान तक जाने के लिए ग्रामीणों को बाईपास क्रॉस करना होगा, इसलिए अंडरब्रिज अथवा फ्लाईओवर न होने के कारण दुर्घटनाएँ होंगी। इसी भय के कारण ग्रामीणों द्वारा अंडरब्रिज तथा फ्लाईओवर निर्माण की मांग की जा रही थी। 3 दिन पहले ग्रामीणों ने बाईपास का निर्माण कार्य रुकवा कर धरना शुरू कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम मध्यप्रदेश समाचार। इस समय हम गलान गांव में मौजूद है जहां पर बाईपास निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा, और ग्रामीण काफ़ी परेशान है। विगत 3 दिन से यहां बैठकर धरना दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि ये लोग धरना दे रहे हैं, और बड़ी समस्या भी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे भी इस धरने में शामिल हैं, क्योंकि यहाँ तो ना तो जिला प्रशासन का कोई जिम्मेदार अफसर आया है, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि तहसीलदार के दो आए थे और इनकी समस्या भी सुनी थी, लेकिन कोई उनको भरोसा नहीं मिला है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या समस्या हो रही है आपको? ब्रिज उपाय बनना चाहिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चा है, वो अगर अचानक कभी घटना हो जाएगी तो हम लोग तो मर जाएंगे। कब से बैठे हैं आप? 3-4 दिन हो गए। सुनवाई हुई है? नहीं हुई है। नहीं, तहसीलदार महोदय जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई इसकी सुनवाई वो करेंगे, पर अभी कोई आश्वासन नहीं है, कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं। क्या नाम है भैया आपका? विजेंद्र श्रीवास। क्या कब से बैठे हैं यहाँ? 3 दिन से। क्या लगता है आपको, आपकी मांग पूरी होगी? जरूर होगी। तो अभी कोई जिम्मेदार आए हैं? अभी कोई नहीं आया। क्या मांग है यहाँ? मांग ओवर ब्रिज की है। यहाँ पर रोड है और छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, कभी दुर्घटना का संकेत हो या ना हो जाएगी, कौन जिम्मेदार है इसका? जैसा कि हमारे साथ और भी काफ़ी लोग यहाँ पे, आपको बता दें, आप देख सकते हैं कि एकजुट में होकर ग्रामीण यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? अच्छा, ये बताइए आप यहाँ कब से बैठे हैं और किन मांगों को लेकर बैठे हैं? हम यहाँ 3 दिन से हम लोग पूरे गाँव वासी बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि यहाँ ओवर ब्रिज होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 1 से लेकर 8 तक का स्कूल है, शमशान घाट है और राशन पानी की भी दुकान है। यहाँ से 4 गांव की रास्ता है, बच्चे जो है वहाँ जाते हैं स्कूल, नहीं मालूम किस समय कहाँ कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये ओवर ब्रिज बनना चाहिए। ऐसी तपती धूप में आपको धरने पर बैठे हैं, बीमार होने का भी एक संभावना है। हम गांव वालों को प्राण देने के लिए हम लोग तैयार हैं अगर ओवर ब्रिज नहीं बनेगा।
यहाँ प्राण दे देंगे हम। क्या आपकी मांग, आपको क्या लगता है आपकी मांगें पूरी हो पाएंगी? हमारी मांग पूरी अब ये शासन के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है, वो करेंगे। कोई शासन का आदमी आया अभी तक आपके पास? अभी तक कोई नहीं आया है, नाप तहसीलदार आए थे, वो कह रहे थे कि जो है 2.5 मिनट हो गया। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कहना है? हमारे यहाँ स्कूल है, हम जाएंगे स्कूल में, कोई एक्सीडेंट हमारा हो सकता है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। अच्छा तो फिर आप अभी अंडरब्रिज की मांग कर रहे हैं? यस। ठीक है, प्रशासन से मांग हुई है? नहीं अभी तक कोई नहीं आया, तहसीलदार मैडम घर आए। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि अभी आप लोगों की सुनवाई होगी, लेकिन कब होगी? जब हम लोग कोई गिर जाए। 3 मिनट हो गया, 3-4 दिन कि आप तपती धूप में यहाँ पर लोग बैठे हैं और अपनी मांग लेकर बताया उन्होंने कि 3 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। अब देखना होगा क्या इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं। कहाँ के रहने वाले? कलान के रहने वाले हैं। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं धरना पर, क्या मांग को लेकर? 3 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई नहीं आया है, ना कोई सुन रहा है। हम लोग पुल की मांग कर रहे हैं कि यहाँ से बच्चों को स्कूल पढ़ने जाना है, 1 से लेकर 8 तक बच्चे पढ़ने जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको साइड का कोई मालूम नहीं है, तो एक्सीडेंट रोज ही ना होगा, जिसका बच्चा मर जाएगा क्या शासन देगा? क्या मांग करेंगे आप? हम पुल चाहते हैं, ओवर बनना चाहिए। क्या कोई जनप्रतिनिधि? क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? मेरा अरविंद यादव नाम है और ग्राम गलान का रहने वाला हूँ। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, सब लोग जुड़े हुए हैं। जो यहाँ पे फ्लाई ओवर डल रहा है ना, जो मतलब ये रोड डल रहा है बाईपास वाला, तो यहाँ पे हम लोगों को अंडरब्रिज चाहिए, रास्ता जो है अंडरब्रिज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल है, यहाँ बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वो समस्या आ सकती है। इसलिए हम लोग सब लोग बैठे हुए यहाँ पे वो धरना दे रहे हैं। तब तक धरना देंगे जब तक फ्लाई ओवर मंजूर नहीं हो जाएगा। विभाग के वीरेंद्र पटेरिया ने बताया कि ग्रामीणों की मांग को पूरा कराने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसे पास होने में अभी 3 से 4 माह का वक्त लगेगा। ऐसे में विभाग ने निर्णय लिया है कि जिस स्थान पर अंडरब्रिज अथवा फ्लाईओवर का निर्माण किया जाने की मांग की जा रही है उस स्थान को छोड़कर 150 मीटर आगे से शेष कार्य कराया जाएगा, बीच के कार्य को बाद में पूरा कराया जाएगा। अभी ग्रामीणों के अनुसार ही काम किया जाएगा, 150 मीटर सेंटर से इधर साइड छोड़ा जाएगा जो इनकी समस्याएं हैं, और प्रपोजल भेजा जाएगा भारत सरकार को। इसके बाद पूरा प्रयास भी किया जाएगा कि यहाँ पे एक अंडरपास बनाया जाए, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि होना चाहिए। हमने सेफ्टी इंजीनियर से भी ऑडिट कराया है, उनका भी कहना है कि होना चाहिए अंडरब्रिज। बनने के बाद लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और ब्लैक स्पॉट नहीं बन पाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनसे भी परेशान है कुछ ग्रामीण के लिए, तो उस पर क्या कहना? नहीं, उसके लिए तो हम ही सक्षम हैं, हमें बताएं किससे परेशान है आप, तो उनका यही सोल्यूशन निकाल लेंगे, अभी निकल जाएगा, बताइए।